शाह साहब का उद्बोधन हम सबको रोंगटे खड़े करने वाला उद्बोधन था, और उस उद्बोधन को देश को देख ही रहा था, दुनिया के देश भी देख रहे थे कि हिंदुस्तान कहां जा रहा है, हिंदुस्तान की क्या ताकत है, हिंदुस्तान कितना ताकतवर बन गया। ये तमाम चीजें कल देखने को मिली, इन तमाम चीजों से मैं प्रभावित हुआ, और प्रभावित होकर मैंने कहा कि मैं एक बार फिर अपने पुराने घर में जाऊं, और पुराने घर में जाकर स्वागत अंतर का, मेवा अंतर का, और सभी का, सभी समाज का मैं कैसे बना कर सकता हूँ, कैसे मैं विकास कर सकता हूँ, ये बात भी सत्तर से कह सकता हूँ। एक बात मुझे कहते हुए मन में दुख है कि कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम मंदिर के बनाने के बाद जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था और वहां जाने के लिए मना कर दिया, ये सबसे जरूरी है केस लगी। और मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, मंदिर को मानने वाला आदमी हूँ, देवी देवताओं को पूजा करने वाला आदमी हूँ। वहां पर गणेश्वर का बहुत हमने काम किया, मानगढ़ का हमने बहुत काम किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी मानगढ़ पे आए 17 नवंबर 1913। मीडिया के साथियों से मैं अपील करता हूँ, इसकी तारीख है 17 नवंबर 1913। तो प्रातः 7:30 बजे उस मानगढ़ के ऊपर गोली चली थी, अंग्रेजों ने गोली चलाई। ऐसी पार्टी है जिसके नेता आदरणीय राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट से मैं देकर के सबसे सहमति बनवाई थी, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये राम मंदिर बना है, और उसमें कभी भी कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि कोई व्यक्ति राम मंदिर में अयोध्या नहीं जाएगा। मैं समझता हूं कि ये एक बहाना बना करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि महेंद्रजीत मालवीय जी का जनाधार वहां खत्म हो चुका है, उनकी जो संदिग्ध गतिविधियां हैं वो आम पब्लिक में, आदिवासी भाई लोगों में पूरी तरीके से उनको पता लग चुकी हैं। इसलिए आने वाले समय में वो ना एमपी बन पाएंगे, ना एमएलए बन पाएंगे, ना जिला प्रमुख बन पाएंगे। इनके जो 4-5 जो हमारे एमएलए साथी हैं वो कल परसों गहलोत जी से भी मिले थे, मेरे पास भी आए थे, अपनी धर्मपत्नी को जिला प्रमुख बनाए, अपने बेटे को कांग्रेस का नेता बनाए, अपनी मर्जी से प्रधान बनाए, और वो व्यक्ति वहां बार बार कांग्रेस को नुकसान करने का काम कर रहे थे, फिर भी पार्टी उनको माफ कर रही थी, और ये मान के कि आदिवासी नेता है इसलिए इनको CWC मेंबर बनाया, और CWC मेंबर बनाया तब भी इन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी मेरी माँ है, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अपने अस्तित्व को बचाने की कुचेष्टा में इन्होंने एक जो ये आज भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग का काम किया है, और जब ज्वाइनिंग की समय ये कहना कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर में नहीं गई, उसका विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया।